आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में आपसी फूट ले डूबेगी और वे एक भी सीट हिमाचल से नहीं जीत पाएंगे। यहां तक कि रजनी पाटिल भी हिमाचल में कांग्रेस का खाता नहीं खुलवा पाएंगी। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपसी कलह है, वो हर मोर्चे पर जाहिर हो रही है, उससे कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए बिलासपुर में कही। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंजनी पाटिल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में हिमाचल में कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपनी टिप्पणियों से भाजपा की राह आसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और हिमाचल की चारों सीटें जीतने की रणनीति तैयार की जाएगी। एक सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी 16 तारीख को एक दिन के प्रवास पर चला गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश का टूर प्रोग्राम चला हुआ, उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में वो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लोगों से आने वाले लोकसभा के चुनाव से संबंधित वो फीडबैक लेंगे। हम आने वाला लोकसभा का चुनाव कैसे जीते हैं, उसमें क्या मुद्दे हों, उन बातों के ऊपर जो भी अमित शाह जी हमें दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलेगी। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी भी शुरू की है, हमारी जिलों की मीटिंगें भारतीय जनता पार्टी की चल रही। सत्ती ने कहा कि प्रदेश भाजपा आने वाले लोकसभा चुनावों में चारों सीटें जीतेगी तथा इसके लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर काबिज हों, इसके लिए 100% योगदान प्रदेश भाजपा देगी। सत्ती ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 7 माह के कार्यकाल में 52 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। वह उन्होंने अपने इस कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं। भाजपा इन कार्यक्रमों को हर गांव व शहर तक पहुंचाएगी। बिलासपुर जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रंजनी पाटिल पर भी कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों से साफ जाहिर है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मर्यादा में विश्वास नहीं रखती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो भाजपा का प्रेरणा स्रोत है, लेकिन भाजपा सरकार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भाजपा सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने के आरोप भी लगाए। रजनी पाटिल जी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो हिमाचल में आ रही हैं, उनका स्वागत है, वो अतिथि है हिमाचल प्रदेश के, घूमे फिरे, बहुत बढ़िया हिमाचल प्रदेश है, अच्छा है, बढ़िया मौसम है, लेकिन कांग्रेस का क्या होना वो उनको भी पता है। उन्होंने देख लिया पिछले टूर प्रोग्राम में किस तरह कांग्रेस के नेताओं की मंचों के ऊपर लड़ाई हुई है, किस तरह से वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस के नेताओं को मकर झंडू तक की संज्ञा दी है। और जब तक हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं हटता, वीरभद्र सिंह का कहना कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और सत्यानाश हो गया हिमाचल में कांग्रेस का, ऐसा वीरभद्र सिंह जी कहते हैं जब से सुक्खू जी बने हैं। तो ये अच्छा है, बढ़िया भाषा बोल रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है कांग्रेस का। और रजनी पाटिल जी भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दिला पाएंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर मोदी जी का बहुत बड़ा कर्ज है, जिन्होंने हमारे लिए इतनी इंस्टीट्यूशन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश के 69 नेशनल हाईवे दिए हैं, जयराम जी की गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की हैं, तो हम सब लोग हिमाचलवासी एहसान फरामोश नहीं है मोदी जी ने हमारे। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा द्वारा भाजपा आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए संसदीय क्षेत्रों के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक बुला रही है। अभी तक 7 जिलों की बैठकें हो चुकी हैं और इसके बाद मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। बाकी बैठक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के शिमला प्रवास के बाद होंगी, जो कि 16 अगस्त को हो रहा है। एक प्रश्न के जवाब में सत्ती ने कहा कि उन्हें संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा वे बखूबी निभाएंगे, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतंत्र पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति जीवन भर के लिए अध्यक्ष बनता है, जीवन भर के लिए ना मुख्यमंत्री बनता है। हमारे जहां पर समय समय के अनुसार लोकतांत्रिक ढंग से पदों का विस्तार भी होता रहता है, पदों के ऊपर व्यक्ति भी बदलते रहते हैं, तो उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ साल पहले मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। और अभी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, उस व्यक्ति को जिम्मेवारी देंगे। और जहां पर जिम्मेवारी मिलना या जिम्मेवारी से हटना न कोई बहुत खुशी का विषय होता है, न कोई गम का विषय होता है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें केंद्रीय हाईकमांड चीजें तय करता है, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जिसको भी जिम्मेवारी केंद्र चाहेगा उसको दे सकते हैं, देते हैं और समय समय